ओके पीपल, सो वी वेर एक्चुअली डूइंग लस्पायर्स मेथड, पास्चेज मेथड। तो ये हमारे आपके भाई साहब इंडेक्स नंबर्स हैं। वेरी क्विकली वी विल गो थ्रू द फॉर्मूलाज वंस अगेन, ठीक है। तो आपका देखो इंडेक्स नंबर में जब हम लस्पायर्स मेथड यूज करते हैं, ठीक है, तो लस्पायर्स मेथड में प्राइस इंडेक्स कितना हो जाएगा भाई साहब? लस्पायर्स मेथड में आपका हो जाएगा सिग्मा पी वन क्यू नॉट अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट। तो एकदम सिंपल तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, देखो इसको याद रखने के लिए ऐसा याद रखो कि सिग्मा पी वन अपॉन सिग्मा पी नॉट तो होना ही होना है, प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर अपॉन क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ये हो गया आपका लस्पायर्स मेथड का, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब आपका क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, पास्चेज मेथड नहीं दिया हुआ। ओके, पास्चेज मेथड क्या हो जाएगा? पास्चेज मेथड इज, पास्चेज मेथड भाई साहब आपका जो वन दिस विल बी इक्वल टू, वही देखो सिग्मा पी वन और यहाँ पे भी सिग्मा पी नॉट रहेगा, लेकिन इसके जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू वन और क्यू वन, मतलब आप करंट ईयर पे ले रहे हो, यू आर बेसिकली टेकिंग इट इन करंट ईयर, ठीक है। तो प्राइस एट करंट ईयर, प्राइस एट बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ नहीं करंट ईयर, ठीक है, प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ये हो गया आपका लस्पायर्स का और ये हो गया आपका भाई साहब पास्चेज का, ठीक है। डॉर्बिश बाउली का क्या है भाई साहब? डॉर्बिश बाउली का तो यहाँ पे आपका प्राइस इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा? सिग्मा पी वन, मतलब इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का एवरेज, दैट इज सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट प्लस सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू वन अपॉन टू, ठीक है। सो ये हो गया आपका पी एल प्लस पी जीरो वन, ठीक है, ये एल हो गया और ये हो गया भाई साहब पी जीरो वन पी अपॉन टू, ये हो गया आपका डॉर्बिश बाउली का, ठीक है, इन टू हंड्रेड, ये हो गया आपका डॉर्बिश बाउली। ओके, सो डॉर्बिश बाउली का ये हो गया भाई साहब, दिस इज बेसिकली फॉर डॉर्बिश बाउली, क्लियर है? सो दिस अपॉन दिस इन टू हंड्रेड, क्लियर है? ओके ओके ओके, एवरेज हो गया। ओके, फिशर्स मेथड में क्या हो जाएगा? फिशर्स मेथड में ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, मतलब आपका सिग्मा पी वन क्यू नॉट अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट इंटू सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू वन, ये पूरा इंटू हंड्रेड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? दिस कैन बी रिटन एज पी नॉट वन एल, ठीक है, इंटू पी नॉट वन पास्चेज, ठीक है, क्लियर है? ये हंड्रेड को अगर नीचे ले अंदर ले लेंगे हम तो ये हंड्रेड स्क्वायर हो जाएगा। ये हंड्रेड एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया आपका भाई साहब फिशर्स मेथड, दिस इज बेसिकली फिशर्स मेथड, ठीक है, फिशर्स इंडेक्स नंबर। ओके, मार्शल एजवर्थ का क्या हो जाएगा? मार्शल एजवर्थ का हो जाएगा भाई साहब प्राइस इंडेक्स ऑफ मार्शल एजवर्थ, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा पी वन, अगेन वही सेम देखो सिग्मा पी नॉट, यहाँ पे हो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू नॉट, दैट इज क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर प्लस क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर अपॉन क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर प्लस क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इन टू हंड्रेड। सो दिस विल बी फॉर मार्शल एजवर्थ, ठीक है। ओके 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 ओके, एक और था ना, हाँ वेल्शेस, ओके, ये हो गया आपका भाई साहब वेल्श, ठीक है। वेल्श का क्या हो जाएगा भाई साहब? सिग्मा वही सेम देखो पी वन अपॉन सिग्मा पी जीरो, सॉरी सिग्मा पी वन, दैट इज प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर इनटू करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी अंडर रूट, करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी अंडर रूट, ये हो गया आपका वेल्शेस मेथड, ठीक है। ओके, एक सवाल हमारा उस दिन का बाकी रह गया था, सो वी विल जस्ट फिनिश इट ऑफ एंड। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, फाइंड वाई
इफ द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड कितना है 120 है, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड कितना दिया हुआ है 120 एज टेकन इन 1995 एज बेस ईयर। तो आप देखो यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, योर प्राइस हैज बीन गिवन हियर, प्राइस इन रुपीज इन 1995, ये आपका प्राइस इन रुपीज है इन 1995, ठीक है। और ये प्राइस इन 2003, ठीक है, प्राइस इन 2003, बेस ईयर आपका कितना दिया हुआ है 1995, तो प्राइस इन 1995 एंड P1 हो गया आपका प्राइस इन 2003, ठीक है। तो आपका यहाँ पे P01 दिया हुआ है कितना 120, वाई की वैल्यू आपको पूछी है यहाँ पे। तो पहले आप सिग्मा पी नॉट कर ले, सिंपल एग्रीगेट मेथड से क्या हो जाएगा बोलो, सिंपल एग्रीगेट मेथड से प्राइस इंडेक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा ऑफ P1 अपॉन सिग्मा ऑफ P0 इनटू 100। तो सिग्मा ऑफ P1 कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे सबको ऐड कीजिए, यहाँ पे आपका 95 प्लस वाई प्लस 80 प्लस 35, सो दैट गिव्स यू हाउ मच, दैट गिव्स यू 210 प्लस वाई, ठीक है। और भाई साहब ये हो गया आपका सिग्मा P1, ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा P1। सिग्मा P0 कितना हो जाएगा बोलो, 116 प्लस 74 प्लस 92 प्लस 42, सो दैट गिव्स यू हाउ मच 324, ठीक है। तो आपका प्राइस इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा भाई साहब, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इनटू 100, सो दैट विल बी सिग्मा P1 कितना हो गया आपका देखो 210 प्लस वाई अपॉन 324, है ना, हाँ सिग्मा P0, ओ ओ ओ ये उल्टा वाला हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका सिग्मा P1, दिस इज सिग्मा P1 एंड दिस इज सिग्मा P0, ठीक है। तो आपका प्राइस इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी योर प्राइस इंडेक्स नंबर, दिस विल बी सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इनटू 100, ठीक है। सो P01 कितना हो गया भाई साहब आपका, दिस विल बी हाउ मच, आपका हो गया 120 दिया हुआ है, सिग्मा P1 की वैल्यू कितनी हो गई 324 अपॉन सिग्मा P0 की वैल्यू कितनी हो गई 210 प्लस वाई इनटू 100, ठीक है। ये वाला और ये वाला भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, देखो 2 5 10 2 6 12, तो 6 × 210 प्लस वाई इज इक्वल टू 324 × 5, यहाँ पे भी 6 5 30, हाँ इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखो 6 5 30 और 6 4 24, 54 5 5 4 20, 5 5 25, 26 27, ये हो गया 210 प्लस वाई इज इक्वल टू 270, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 270 माइनस 210, दैट इज गोइंग टू बी 0 7 7 6, दिस विल बी ₹60। तो प्राइस इंडेक्स सॉरी आपका एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, वाई इज ₹60, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पे देखो लेस्पायर्स का दिया हुआ है, एक मिनट, कैलकुलेट लेस्पायर्स पास्चेस डॉर्बिस बाउलीज एंड मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर्स इन प्रॉब्लम्स 1 और 2। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ, देखो कमोडिटी दी हुई है ए बी सी डी, प्राइस 8732, क्वांटिटी आपका ये बेस ईयर का है, ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर बेस ईयर, ठीक है, दिस इज फॉर बेस ईयर पीपल, दिस इज फॉर करंट ईयर, ये आपका बेस ईयर का है और ये आपका करंट ईयर का है, प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है बेस ईयर की, प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है करंट ईयर की, ठीक है। तो आपका भाई साहब क्या लेस्पायर के हिसाब से क्या है भाई साहब, P01 लेस्पायर के हिसाब से भाई साहब क्या है, लेस्पायर के भाई साहब हिसाब से है P1Q अपॉन सिग्मा P0Q0, है ना, इनटू 100, ये आपका लेस्पायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे भाई साहब, P1Q0 और P0Q0 दोनों भी निकालोगे, है ना, तो मतलब P1 × Q0 मतलब 11 × 20, तो आपका भाई साहब यहाँ पे इन वैल्यूज को आपको देखना है भाई साहब, ठीक है, इन वैल्यूज को देखनी है, तो इन वैल्यूज को ध्यान से देखिए,
P1Q0, P1 मतलब हो गया आपका 11 इंटू 20, कितना हो गया 220, ठीक है। फिर आपका 12 इंटू 10 120, 13 इंटू 5 150, 15 इंटू 4 200, तो आपका सिग्मा 1 P0 Q0 कितना आ गया भाई साहब, आपका सिग्मा P1 Q0 आ गया आपका, इसको पूरा ऐड करेंगे यह आपका 690, ठीक है। ओके, तो सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू आ गई कितनी, 690, है ना भाई साहब, दिस कम्स अक्रॉस एज 690। अभी P0 Q0 करेंगे भाई साहब, 8 इंटू 20 हो गया आपका 160, 7 इंटू 10 70, 33 जा 90, 52 जा 100, ठीक है। इस सब को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा भाई साहब, 420। सो दैट विल बी बेसिकली हाउ मच आर पीपल आर, दिस इज अ 420 आर, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन भाई साहब आ गया आपका 420 इंटू 100, ठीक है, क्लियर है। इसको आप करेंगे तो आपका आ गया कितना भाई साहब, आपका दिस इज द आंसर कितना, 164.29, क्लियर 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 क्लियर। पास्टचेस प्राइस इंडेक्स नंबर भाई साहब क्या हो जाएगा, पास्टचेस का प्राइस इंडेक्स नंबर होता है P0 01, पास्टचेस इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका पास्टचेस का, ठीक है। तो पास्टचेस का अगर ये है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो P1 Q1 करेंगे अगर हम, कितना 11 इंटू 15 कितना आ गया आपका, देखो 165, 12 इंटू 10 120, 520 125, 4 इंटू 35 140। तो अगर हम इस सब को ऐड करते हैं, सो इस सब को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बोलो, 550, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 550 अपॉन P0 Q1, तो आपका हो गया भाई साहब P0 Q1 815 जा 120, 710 जा 70, 325 जा 75, 352 जा 70, तो आपका भाई साहब ये आ गया क्या, भी 335, सो दिस विल बी 335 इंटू 100, ठीक है। तो ये आ गया कितना आपका, 164.18। तो लस्पायर्स का ये आ गया, पास्टचेस का ये आ गया। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, डॉर्बिश बाउली। तो डॉर्बिश बाउली का क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका डॉर्बिश बाउली P01 डॉर्बिश बाउली एवरेज होता है भाई साहब दोनों का, लस्पायर का, ठीक है, प्लस पास्टचेस का, ठीक है, अपॉन टू, ठीक है। सो दिस विल बी 164.29 प्लस 164.18 अपॉन भाई साहब 2, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, इंटू आपका 100, इंटू भाई साहब आपका 100। सो दिस विल बी हाउ मच, 164.24 आ रहा है भाई साहब, ठीक है। मार्शल एजवर्थ का क्या आ जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी फॉर मार्शल एजवर्थ, ठीक है। सो प्राइस इंडेक्स आपका मार्शल एजवर्थ विल बी हाउ मच, बोला जल्दी से बोलो, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, Q0, अरे वेल्शिस का है ना ये, तो ओके, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q0 अपॉन Q1 प्लस Q0, ठीक है। मार्शल एजवर्थ का ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी फॉर मार्शल एजवर्थ, फिर से टेबल बनाना पड़ेगा हमको मार्शल एजवर्थ का भाई साहब। तो मार्शल एजवर्थ का अगर हम इसको लेंगे ना तो कितना आ जाएगा, तो पूरा टेबल फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। तो सिग्मा P1 Q1 प्लस सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q1 प्लस सिग्मा P0 Q0, ठीक है। P1 Q1 की वैल्यू कितनी आ गई है भाई साहब, सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू 550 प्लस P1 Q0 की वैल्यू कितनी आ गई है 690, ठीक है, अपॉन P0 Q1 की वैल्यू कितनी आ गई है भाई साहब 335, और P0 Q0 की वैल्यू कितनी आ गई है 420, ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी द आंसर, क्लियर है, समझ में आ रही है। इसका जितना भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर फॉर मार्शल एजवर्थ। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे सवाल दिया है, देखो ये वही सवाल है ना, नहीं दूसरा, ठीक है। कमोडिटी 1, 2, 3, 4 है, तो दीज आर कमोडिटीज 1, 2, 3, 4। प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है किसका भाई साहब, बेस ईयर का, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली फॉर बेस ईयर, और
करंट ईयर का भी आपको प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ है भाई साहब। लसपायर के मेथड से आपको कर निकालना है तब क्या निकालेंगे, सिग्मा पी वन क्यू नॉट पी सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये सारे टेबल्स बनने चाहिए। तो पहला आपका हो गया पी वन क्यू नॉट, पी नॉट क्यू नॉट, पी वन क्यू वन और पी नॉट क्यू वन, ठीक है। तो लसपायर के हिसाब से क्या हो जाएगा, लसपायर के मेथड के हिसाब से भाई साहब हो जाएगा सिग्मा पी वन क्यू नॉट अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100, ठीक है। तो इसको ऐड कर लो भाई साहब, यहाँ पे देखो पी वन क्यू नॉट की कॉलम बनाई है आपने, पी वन और क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करते जाओ, 29 का कितना हो गया 180, ठीक है। 29 का हो गया आपका भाई साहब 180, ये 20 और ये 9 पी वन क्यू नॉट, 35 का आपका हो गया भाई साहब 150, 57 का 350, 68 का 480। तो इसका सम करोगे तो कितना आ रहा है भाई साहब 1160, ठीक है। तो पी वन क्यू नॉट का सम कितना आ गया आपका 1160, पी नॉट क्यू नॉट का कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, पी नॉट क्यू नॉट, सो पी नॉट इज बेसिकली 10 इंटू 9 ये हो गया 90, 20 इंटू 5 100, 30 इंटू 7 210, 40 इंटू 8 320। तो पी नॉट क्यू नॉट का कितना आ गया 720, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ 100 के साथ, ये हो गया आपका लसपायर का, ठीक है। पास्चेस का क्या हो जाएगा, P01 आपका पास्चेस का हो जाएगा सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P1 P0 Q1 इंटू 100, ठीक है। तो P1 Q1 कर लीजिए भाई साहब, P1 Q1 आपका यहाँ पे P1 Q1 की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, देखो P1 Q1 की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब यहाँ पे, सो आपका ये हो गया P1 और ये हो गया आपका Q1, 28 जा 160, 34 जा 120, 55 जा 250, 66 जा 360। तो P1 Q1 सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 890, सो दिस विल बी हाउ मच आर पीपल आर 890। पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो पी नॉट क्यू वन, ठीक है। तो पी नॉट है और क्यू वन है, तो 10 इंटू 8 80, 20 इंटू 4 80, 30 इंटू 5 150, 40 इंटू 6 240। तो इसका वैल्यू कितना आ गया भाई साहब आपका 550 इंटू 100, ठीक है, क्लियर है। मार्शल एजवर्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, मार्शल एजवर्थ की वैल्यू, सो यहाँ पे आपका मार्शल एजवर्थ का वैल्यू P01 मार्शल एजवर्थ दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, P01 लसपायर प्लस प्राइस इंडेक्स ऑफ पास्चेस अपॉन 2 इंटू 100। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी वैल्यू आज आई है, ठीक है, मार्शल एजवर्थ नहीं, मैंने ये दरवेश बावली है ना, हाँ दरवेश बावली, सॉरी, दिस विल बी फॉर दरवेश बावली, सो दिस इज फॉर दरवेश बावली का हो गया ये, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आया था कितना, यहाँ पे आया था 161.82, 161.11 दिस इंटू 100, ठीक है, क्लियर। ये 100 क्यों नहीं किया, अरे हाँ यहाँ पे 100 नहीं होगा भाई साहब, एवरेज है ना ये, तो दोनों का एवरेज है, सो दिस विल बी ओनली दिस, ठीक है, दरवेश बावली के हिसाब से दिस विल बी फॉर दरवेश बावली, ओके। मार्शल एजवर्थ का कितना हो जाएगा भाई साहब, मार्शल एजवर्थ, सो दिस विल बी फॉर मार्शल एजवर्थ। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई साहब, सिग्मा P1 Q1 प्लस Q0 और सिग्मा P0 Q1 प्लस Q0, ठीक है, ओके। समस्या आपको भाई साहब आएगी वेल्श में, क्योंकि वहाँ पे अंडर रूट वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। P01 मार्शल एजवर्थ की भाई साहब वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा P1 Q1 प्लस सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q1 प्लस सिग्मा P0 Q0, ठीक है। तो यहाँ पे P1 Q1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब आपका, सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू भाई साहब, P1 Q1 की वैल्यू आ गई कितनी, सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू आ गई 890 प्लस P1 Q0 की वैल्यू कितनी आ गई 1160, P0 Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 550 प्लस P0 Q0 की वैल्यू कितनी आ गई 720, ठीक है, क्लियर है। दिस इज हाउ वी विल गेट द फिगर्स, ओके। कैलकुलेट वॉल्शेज, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको अंडर रूट कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट वॉल्शेज प्राइस इंडेक्स नंबर इन प्रॉब्लम 3 और 4। तो आपका भाई साहब ये क्वांटिटी है, तो अभी आपको देखो एडिशनल एक कॉलम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो क्या है, अंडर रूट ऑफ Q0 Q1, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लमेटिक है। फिर आपका P1, फिर आपका भाई साहब ये,
ठीक है, क्योंकि वॉल्स का प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है भाई साहब, वॉल्स का प्राइस इंडेक्स नंबर होता है पी नॉट वन वॉल्स का, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट सॉरी सिग्मा पी वन, दिस विल बी सिग्मा पी वन क्यू नॉट क्यू वन अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट क्यू वन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पे पी नॉट लिया, क्यू नॉट लिया, पी वन लिया, क्यू वन लिया, क्यू नॉट क्यू वन लिया आपने, क्यू नॉट क्यू वन लिया पहले, फिर इसका आप निकालेंगे अंडर रूट, 304 का अंडर रूट निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आपका लंबा चलेगा, ठीक है, ये आपका लंबा। लॉग टेबल्स हम लोग को अलाउड नहीं है ना, लॉग टेबल्स अलाउड है नहीं अलाउड है? हाँ, लेकिन वो नहीं, लॉग टेबल्स, लॉग टेबल्स कैसे यूज करते हैं वो सिखाया क्या? नहीं। ओके, तो फिर आपको ये मैनुअली निकालना पड़ेगा। 304 का अंडर रूट कैसे निकालोगे भाई साहब? ये हो गया 304, ठीक है। तो आप पहले पेयरिंग कर लोगे यहाँ पे, ठीक है, वन वन ज़ा वन, ठीक है, थ्री से वन गया टू, 204 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका डबल कितना हो जाएगा? टू, तो 27 इंटू 7 करके देखते हैं, 7 7 ज़ा 49, 27 ज़ा 14, 14 प्लस 4 18, 28 इंटू 8, 88 ज़ा 64, 29 टू 9 ही कर लेते हैं ना, 99 ज़ा 81, 29 ज़ा 18, 18 प्लस 8 26, नहीं ज़्यादा हो गया भाई साहब, 189, 28 इंटू 8, 88 ज़ा 64, 8 टू 16 प्लस 6 22, यहाँ पे होगा भाई साहब आपका कितना, 27, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब 7, तो कितना हो गया 7, 7 से 189 हो गया, ठीक है, 9 प्लस 5 14, 9 से 8 गया 1, 17 का कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 34, ठीक है, 34, 5 5 से 25, 4 5 से 20, 21, 22, 3 5 से 15, 16, 17, ये पाई नहीं हो पाएगा, 3 4, 4 इंटू 4, 4 4 से 16, 4 4 से 16, 1 17, 3 4 से 12, 1 13, तो ये कितना हो गया भाई साहब 4, 4, 1 3, 7, 6, 6 प्लस 4, 10, 9 से 7 गया 2, 348, इसका डबल कर लिया हमने, देखो 348 इतना ही काफ़ी है यहाँ पे, देखो 17.4 ही काफ़ी है, 17.44 लिया हुआ यहाँ पे, 17.4 ही काफ़ी है, वरना कैलकुलेट करते बैठोगे भाई साहब तो हर एक का देखो स्क्वायर रूट निकाला है यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ आपकी आई हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, 304, 224, 893 सबका स्क्वायर रूट, फिर आपका पी वन इंटू क्यू नॉट क्यू वन, मतलब पी वन के साथ, इस पी वन के साथ भाई साहब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस पी वन के साथ, इस पी वन के साथ भाई साहब ये जो आया हुआ है अंडर रूट इसको मल्टीप्लाई कर, 3 इंटू 17.44 यह आया आपका 52.32, 8 इंटू 14.97 यह आया आपका 119.76, 7 इंटू 29.93 यह आया आपका 209.51, तो आपका सिग्मा जो है, ठीक है, ये आपका जो सिग्मा पी वन अंडर रूट क्यू नॉट क्यू वन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 381.59, ये लंबा चलने वाला है सवाल, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे भाई साहब, पी नॉट को अंडर रूट क्यू नॉट क्यू वन से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो पी नॉट को आप अंडर रूट क्यू नॉट क्यू वन से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, सो पी नॉट को आप अंडर रूट क्यू वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 इंटू 17.44 ये आ गया आपका 16.9, देन 6 इंटू 14 तो ये आ गया 89, 8 इंटू 29.3 ये आ गया भाई साहब, ठीक है, इसका आप कर रहे हो भाई साहब 399.02, तो 381.59 अपॉन 399.02 इंटू 100, सो दिस विल बी हाउ मच, 95.63, तो वेल्शेज इंडेक्स नंबर कितना आ गया आपका 95.63, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ये आपका बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको डिवाइड करना है, तो वेल्शेज इंडेक्स नंबर इज अ टाइम कंज्यूमिंग वन, अदरवाइज द अदर्स आर नॉट, ठीक है, ओके चलो देखो यहाँ पे भी देखो वेल्शेज प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखो प्राइस क्वांटिटी, फिर प्राइस क्वांटिटी ये हो गया आपका करंट ईयर का, ठीक है, दिस इज फॉर द बेस ईयर एंड बच्चा पार्टी, दिस इज फॉर द करंट ईयर, ठीक है, तो आप पहले भाई साहब, तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है वेल्शेज, तो पी, ठीक है, पी 01 फॉर वेल्श इज इक्वल टू हाउ मच आप ये पला, समेशन ऑफ पी वन, ठीक है, इंटू क्यू नॉट क्यू वन अपॉन समेशन ऑफ
पी नॉट और यहाँ पे हो गया आपका क्यू नॉट क्यू वन। ठीक है, तो पहली बात तो आपको भाई साहब पी वन पहले आपको निकालना है क्या, क्यू नॉट इंटू क्यू वन, फिर निकालना है क्या उसका अंडर रूट। तो क्यू नॉट इंटू क्यू वन 12 नाइन से कितना हो गया 108। ठीक है, देखो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, मैंने देखो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड क्या है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे क्यू नॉट इंटू क्यू वन निकालना है ना, तो देखो अंडर रूट ऑफ क्यू नॉट इंटू क्यू वन निकालना है तुमको। ठीक है, क्यू वन कितना है 12 और ये कितना है भाई साहब 9, तो दिस विल बी हाउ मच अंडर रूट ऑफ 12 इंटू 9। 12 इंटू 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 4 इंटू 3 इंटू 9, ये 9 का अंडर रूट कितना आया 3, 4 का अंडर रूट कितना आया 2 और अंडर रूट 3 का कितना हो जाएगा 1.73, ऐसे कर सकते हो भाई साहब। ठीक है, पूरा ना मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल सकते हो उसको। ठीक है, सो यू गेट 6 इंटू 1.73, 6 इंटू 1.73, 3 6 18, 7 6 42, 43, 6 1 6 + 4 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10.39 आ रहा है, 10.38, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, इसके बाद क्या है भाई साहब, देखो आपका 4 इंटू 8 है देखो। ठीक है, क्यू नॉट क्यू वन, तो अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, ये वैल्यूज लिख सकते हो तुम यहाँ पे, इसकी कोई मतलब वैल्यूज का वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, तुमको अंडर रूट से लेना देना है। तो 4 का भाई साहब आया बाहर 2 और ये वाला 8 को आप क्या लिख सकते हो भाई साहब 4 इंटू 2, तो इसका बाहर आ गया 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये हो गया भाई साहब 4 इंटू आपका 1.41, ये होता है आपका अंडर रूट 2 का वैल्यू। ठीक है, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है भाई साहब 1.73, अंडर रूट 4 का वैल्यू होता है आपका 1.41। ठीक है, तो ये हो गया कितना भाई साहब 4 1 4 4 4 16 4 1 4 5.64, देखो 5.64 अप्रॉक्सीमेटली आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका 13, ये आपका लंबा पड़ेगा भाई साहब 13 इंटू 27। ठीक है, तो 27 मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका 9, है ना, ये हो गया आपका 9 इंटू 3 और ये हो गया आपका 13 3 कितना हो गया भाई साहब आपका 39, अंडर रूट 3 9 का भाई साहब हो गया आपका 3 बाहर। ठीक है, 39 का अंडर रूट आप निकाल सकते हो या 13 का भी अंडर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब अगर भाई साहब 39 का अंडर रूट निकाल लें फटाफट, ये हो गया आपका कितना भाई साहब 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, यहाँ बचा भाई साहब कितना 3 पॉइंट लगा दोगे 2 0 आ जाएगा, 6 का वैल्यू 12 3 3 2 2 ही करना पड़ेगा इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 2 2 4 2 1 2। ठीक है, 1 2 3 इंटू 3 तो भाई साहब 3 3 9 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2 2 यहाँ पे हो गया 2 2 2 4 2 2 4 2 1 2, बचा कितना भाई साहब आपका 66 और ये 0 0, 62 का भाई साहब 2 2 4 6 2 12, 1 2 4 आ गया, 1 2 4 × 5 करके देख लेते हैं क्योंकि आप लोगों को 6 चाहिए, 5 5 20 5 4 5 20 21 22 21 22 5 2 10 11 12 5 1 5 1 6। ठीक है, तो ये आ गया कितना भाई साहब आपका 6 2 2 5। ठीक है, तो 6.25 आ गया अप्रॉक्सीमेटली आपका, तो 3 × 6.25, 5 3 15, 3 2 6 17, 6 3 18, 18.75 आ गया, देखो 18.73 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, क्लियर है, इसका आप वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपका ये क्या है 39 है। ठीक है, इसका आगे वाला स्क्वायर नंबर कौन सा है 36 और उसका स्क्वायर रूट कितना है भाई साहब 6। ठीक है, इसके बाद वाला स्क्वायर रूट नंबर कितना है 36 के बाद क्या आएगा 6 6 36, 7 7 49। ठीक है, तो भाई साहब 49 से 39 की दूरी बहुत ज़्यादा है, इससे इसकी दूरी बहुत कम है। ठीक है, तो मतलब आप क्या वैल्यू, अगर इससे इसकी दूरी ज़्यादा कम हो जाती है तो आप 0.5 के ऊपर ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका 6 पॉइंट, देखो यहाँ पे 36 से 1 ले सकते थे, अगर बहुत ज़्यादा क्लोज होता था तो आप 1 लेते थे, थोड़ा सा दूरी है तो यहाँ पे 6.25 आप ले सकते हो, इसको ऐसे एस्टिमेट करना रहता है। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका, और क्या है देखो यहाँ पे हो गया आपका 13 × 27, 29 × 36। ठीक है, तो 29 अंडर रूट 29 इंटू भाई साहब कितना है 36, तो 6 तो बाहर आना ही आना है, यहाँ पे हो गया अंडर रूट 29, इसका फटाफट से वैल्यू निकाल लो भाई साहब। ठीक है, तो ये हो गया आपका 29, सो ये हो गया भाई साहब आपका 29, तो आप करोगे 5 5 25, 9 से 4 गया 4, यहाँ पे हो गया आपका 10.00। ठीक है, 3 3 9, 0 3 0, 3 1 3, ठीक है, 3 3 9, 3 0 9, ये हो गया आपका भाई साहब कितना 91, ये हो गया 0 0,
सिक्स फाइव टू जै टेन एट एट जै सिक्सटी फोर एट सिक्स जै फोर्टी एट फोर्टी एट प्लस सिक्स फिफ्टी फोर जीरो एट जै जीरो फाइव एट वन जै एट ठीक है तो ये हो गया एट एट फाइव फोर फोर फाइव पॉइंट थ्री एट आ गया ये भाई साहब सिक्स इंटू फाइव पॉइंट थ्री एट कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे एट सिक्स जै फोर्टी एट सिक्स थ्री जै एटीन एटीन प्लस फोर ट्वेंटी टू सिक्स फाइव जै थर्टी थर्टी वन थर्टी टू ठीक है क्लियर है तो आपका यहाँ पे भाई साहब कितना आ गया देखो थर्टी टू पॉइंट थ्री थर्टी टू पॉइंट थ्री वन कैसे आ गया ठीक है चलो आया रहेगा ठीक है सो इन सबको हम भाई साहब ऐड करेंगे ठीक है पी वन को अभी इससे मल्टीप्लाई करना है किससे टेन पॉइंट थ्री नाइन से पी वन को मल्टीप्लाई करना है तो टेन पॉइंट थ्री नाइन इंटू ट्वेंटी इतना आया ठीक है फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव इतना आया आपका एटीन पॉइंट सेवन थ्री इंटू फोर्टी इतना आया भाई साहब थर्टी टू पॉइंट थ्री वन इंटू सेवेंटी फाइव इतना आया इसको आपको ऐड करना है अभी फिर से इसको इस अंडर रूट क्यू नॉट क्यू वन को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई साहब पी नॉट से ठीक है तो आपका हंड्रेड एंड सॉरी आपका टेन पॉइंट थ्री नाइन को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स को ट्वेंटी से ठीक है एंड दैट इज वॉट यू गेट तो इसके बाद आपको भाई साहब ऐसे वॉल्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला वाइज कैलकुलेट करना है ठीक है फिर चलो भाई साहब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है और लगता है यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन लगेगा आपको ठीक है यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या लेस्पायर का कितना दिया हुआ है भाई साहब 90 ठीक है पास्चेस का प्राइस इंडेक्स नंबर आपको कितना दिया हुआ है भाई साहब 40 और भाई साहब डॉल्बे का कितना दिया हुआ है डॉर्बिश बावली का कितना दिया हुआ है आपको दिखा नहीं है ये आपको निकालना है और फिशर्स का भी आपको निकालना है भाई साहब ठीक है फिशर्स का भी आपको निकालना है ठीक है क्लियर है ओके तो हमको मालूम है भाई साहब प्राइस इंडेक्स ऑफ डॉर्बिश बावली कितना होता है डॉर्बिश बावली होता है भाई साहब प्राइस इंडेक्स ऑफ लेस्पायर प्लस प्राइस इंडेक्स ऑफ पास्चेस अपॉन टू तो यहाँ पे हो गया आपका 90 प्लस 40 अपॉन टू ये हो गया आपका 130 अपॉन टू सो ये हो गया कितना 2612 6.5 ठीक है सॉरी 65 आ गया 65 आ गया ये ठीक है क्लियर है ओके अभी आपका देखो फिशर्स क्या होता है वैसा फिशर आपका होता है फिशर फिशर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा बोलो अंडर रूट ऑफ पी नॉट एल इंटू पी नॉट पी ठीक है पी नॉट पी अंडर रूट ऑफ ठीक है अगर आप इसको 100 क्या बोलो कुछ कंफ्यूजन बोलो ना बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं ठीक है अगर आप इसको पूरा पूरा लिख रहे होंगे देखो अगर आप इसको ऐसा देखो यहाँ पे आपका डॉर्बिश बावली है डॉर्बिश बावली को अगर आप ऐसे लिख रहे होंगे अगर आपको मालूम है ये हो गया आपका लेस्पायर का ये हो गया आपका पास्चेस का अपॉन टू लेकिन अगर आप सिंपल उसमें लिख रहे होंगे तो ये हो गया सिग्मा पी वन क्यू नॉट ठीक है सिग्मा पी वन क्यू नॉट अपॉन सिग्मा पी वन नहीं सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट ये हो गया आपका लेस्पायर का सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट ठीक है इंटू हंड्रेड है दोनों का ना दोनों का भी इंटू हंड्रेड है तो इसको इंटू हंड्रेड अपॉन टू लेकिन ये दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक कौन सा हाँ ये वाला नीचे वाला ना हाँ सॉरी 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 ये वाला पी वन ठीक है क्लियर है ओके वैसे ही भाई साहब आपका डॉर्बिश बावली हो गया और इसका कितना है भाई साहब फिशर्स का हो जाएगा आपका फिशर्स का हो जाएगा आपका पी नॉट एल इंटू पी नॉट वन आपका पी लेस्पायर और पास्चेस का अंडर रूट जिसको आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब लेस्पायर का अंडर रूट एंड पास्चेस का अंडर रूट मतलब आपका हो जाएगा भाई साहब सिग्मा पी वन क्यू नॉट अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट ठीक है इंटू हंड्रेड इंटू सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट इंटू हंड्रेड ठीक है अरे यार क्यू वन ना क्यू वन ठीक है इंटू हंड्रेड इन दोनों हंड्रेड का भाई साहब हंड्रेड स्क्वायर हो जाएगा हंड्रेड स्क्वायर अंडर रूट का बाहर फेंकोगे तो हंड्रेड आ जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा पी वन क्यू नॉट अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट इंटू सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू वन इंटू हंड्रेड ये हंड्रेड भाई साहब बाहर क्लियर हंड्रेड स्क्वायर हुआ ना देखो ये वाला हंड्रेड और ये वाला हंड्रेड भाई साहब हंड्रेड स्क्वायर हुआ और अंडर रूट के अंदर ले रहे हो तो वो बाहर फेंकेगा हंड्रेड हो जाएगा ये ठीक है
ओके तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पी नॉट वन इंटू ये हो गया 90 इंटू 40 आराम से भाई साहब 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 क्या ही समझ में आ रहा है देखो अंडर रूट कितना आ रहा है आपका 90 इंटू 40 आ रहा है ना भाई साहब ठीक है तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं 9 इंटू 4 इंटू 100 लिख सकते हो 9 का अंडर रूट कितना आ गया 3 4 का अंडर रूट आ गया 2 और 100 का अंडर रूट आ गया 10 तो ये हो गया आपका 3 इंटू 2 इंटू 10 दैट इज 60 आ गया आपका डॉर्बिश पाउली का आ गया 65 और फिशर्स का आ गया भाई साहब आपका 60 आर वी क्लियर बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया यहां पे देखो सब दिया हुआ है आपको ठीक है लेट्स से आपको यहां पे सब दिया हुआ है ये दोनों भी गुड है ना रोनित और ये कर कर इनकी तो मैं रुक जाओ टेंशन मत लो अभी पुलिस में रिपोर्टिंग करते हैं भाई साहब सीधा पुलिस में करते हैं कोई दिक्कत नहीं ये नहीं आ रहा यार चलो ओके चलिए भाई साहब इसको करते हैं जाओ भाई साहब तुम घर जाओ ओके तुमको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है भाई साहब देखो सिग्मा क्या दिया हुआ है P नॉट Q नॉट इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 140 ठीक है सवाल में और क्या दिया हुआ है सिग्मा P नॉट Q वन इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब 200 फिर क्या दिया हुआ है सवाल में सिग्मा P वन Q नॉट की वैल्यू दी हुई है 350 एंड सिग्मा P वन Q वन इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब 460 तुमको यहाँ पे लस्पायर्स का पूछा है ठीक है लस्पायर्स का भाई साहब क्या हो जाएगा अरे बोलो ना बोलो भाई साहब सिग्मा कितना होगा पी वन क्यू नॉट अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100 ठीक है सिग्मा पी वन क्यू नॉट 350 हो गया ठीक है पी नॉट क्यू नॉट कितना हो गया भाई साहब आपका 140 इंटू 100 2 5 10 2 7 14 7 5 35 तो ये कितना हो गया 15 into 5 ये हो गया आपका 250 ठीक है तो आपका लस्पायर का कितना आ गया भाई साहब लस्पायर का आ गया भाई साहब 250 ठीक है तो आपका ये हो गया लस्पायर का ठीक है पास्चेस का क्या करेंगे भाई साहब पास्चेस का 01 ये हो गया पास्चेस सो दिस विल बी सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू वन सिग्मा पी वन क्यू वन की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 350 है ना सॉरी इंटू 100 सो दिस विल बी इंटू 100 सिग्मा पी वन क्यू वन की वैल्यू कितनी है बच्चा बाटी 460 ठीक है पी नॉट क्यू वन की वैल्यू कितनी है 200 ठीक है इंटू कितना है भाई साहब आपका 100 तो ये कैंसिलम 223 जा तो ये हो गया कितना आपका भाई साहब 230 ठीक है बहुत ज्यादा डिफरेंस देखो नहीं रहेगा लेस्पायर से करो या पास्चेन से करो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा मतलब एक का 200 आ गया एक का 500 आ गया ऐसा नहीं होगा 10-20 का डिफरेंस चलता है ठीक है अगर आ गया तो आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत हो रहा है 01 ये हो गया पास्चेन का कितना हो गया आपका भाई साहब 230 ठीक है तो ये हो गया आपका भाई साहब 230 ये हो गया आपका पास्चेन का ठीक है अभी आपको क्या फाइंड करना है भाई साहब डॉर्बिश बाउली ठीक है डॉर्बिश बाउली भाई साहब क्या हो जाएगा एकदम से सिंपल सा भाई साहब डॉर्बिश बाउली आपका क्या हो जाएगा दिस विल बी डॉर्बिश बाउली तो पी प्राइस इंडेक्स डॉर्बिश बाउली दिस विल बी हाउ मच पी 01 एल प्लस पी 01 पी अपॉन 2 ठीक है तो यहाँ पे पी 01 एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 प्लस 230 अपॉन 2 सो दैट विल बी हाउ मच 80 2 प्लस 2 4 तो ये हो गया 2 2 जा 4 2 4 जा 8 ये हो गया आपका भाई साहब 240 कुछ बोल रही थी अच्छा मतलब यहाँ पे 100 नहीं करेंगे देखो 100 तुमको करके ही आया है ना तो अलग से 100 मर कर देना इसको ठीक है दिस विल बी 240 ठीक है तो आपका भाई साहब यहाँ पे P01
डॉर्विश बावली, ये हो गया कितना भाई साहब आपका 240, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच आर पीपल आर, दिस विल बी 240, ठीक है। क्लियर है, डॉर्विश बावली का भाई साहब इतना आ गया। अभी मार्शल एजवर्ड का कितना आ जाएगा भाई साहब, मार्शल एजवर्ड, यहाँ पे मार्शल एजवर्ड है ना, मार्शल एजवर्ड विल बी हाउ मच, तो ये हो गया आपका सिग्मा पी वन क्यू नॉट प्लस क्यू वन होता है ये, ठीक है, अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट प्लस क्यू वन होता है इनटू 100 होता है भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी सिग्मा पी वन क्यू नॉट प्लस सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी नॉट क्यू वन प्लस सिग्मा पी नॉट क्यू वन इंटू 100, ठीक है। चलो भाई साहब इसके वैल्यूज लिख लेते हैं हम। सिग्मा पी वन क्यू नॉट कितना है बोलो, 350, ठीक है। पी वन क्यू वन की वैल्यू कितनी है, सिग्मा पी वन क्यू वन की वैल्यू 460 अपॉन पी नॉट क्यू वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 200, ठीक है। और पी वन पी नॉट क्यू वन की वैल्यू कितनी है भाई साहब, बार बार क्यों लिख दिया मैंने, पी नॉट एक क्यू नॉट, ठीक है, पी नॉट क्यू नॉट, पी नॉट क्यू नॉट भाई साहब, पी नॉट क्यू नॉट कितना है आपका यहाँ पे 140, ठीक है, 140। और पी नॉट क्यू वन की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 200 इंटू 100, ठीक है। इसको कर लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे हो गया 0, ठीक है, 5 प्लस 6 11, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, यहाँ पे हो गया आपका 0, 4 हो गया ये, ठीक है, 2 प्लस 1 3, 340 इंटू कितना आ रहा है भाई साहब आपका 100, कैंसिलम कैंसिलम, 2 5 जै 10, 2 17 जै 34, 1781 है ना भाई साहब, जाएगा ये नहीं जाएगा भाई साहब, नहीं जाएगा ये तो। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आ गया कितना, 0 5 1 जा 5 8 5 जा 40 अपॉन 17, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 17 40 50 17 2 जा 34 बचा भाई साहब 6 17 5 जा कितना आता है भाई साहब आपका 5 1 जा 5 7 5 जा 35 85 है ना, 17 4 17 7 4 जा 28 4 जा 17 3 जा 7 3 जा 21 3 1 जा 3 4 5 5 से 1 गया 4 6 से 1 गया 17 17 17 2 3 17 7 8 जा 56 8 1 जा 8 प्लस 5 13 तो 8 आ गया भाई साहब यहाँ पे 136 कितना बचा यहाँ पे 40 17 2 जा 34 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया भाई साहब आपका। सो दिस विल बी मार्शल एजवर्थ का, मार्शल एजवर्थ का भाई साहब आपका आ गया तो यहाँ पे बचा 40 है ना, 17 टू 34 फिर से बचा 6 तो यहाँ पे 6 बचेगा 17 17 6 बचा ना भाई साहब 17 3 जा कितना होता है 17 3 जा 17 जा 21 51 तो 2.3 है ना। सो मार्शल एजवर्थ का पी 01 मार्शल एजवर्थ दिस इज इक्वल टू 238.23, ठीक है, 238.23, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल, हम आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है लेस्पायर्स एंड डॉर्विश बावलीज, तो आपका भाई साहब लेस्पायर का दिया हुआ है कितना पी नॉट वन, लेस्पायर का दिया हुआ है आपको 160.32 और डॉर्विश बावल गिवन दैट लेस्पायर्स एंड डॉर्विश बावली, ठीक है भाई साहब, डॉर्विश बावली का कितना दिया हुआ है आपका 164.18, फाइंड पास्चेस, तो आपको भाई साहब पास्चेस का निकालना है, ठीक है, पास्चेस का निकालना है, फॉर्मूला लगा देखो, एकदम आसान सा सवाल है। डॉर्विश बावली भाई साहब क्या होता है, लेस्पायर ठीक है का प्राइस इंडेक्स प्लस पास्चेस का प्राइस इंडेक्स अपॉन टू है ना, ठीक है, तो ये वैल्यूज लिख लो भाई साहब, डॉर्विश बावली का कितना है 164.18 इज इक्वल टू लेस्पायर का कितना है भाई साहब 160.32 प्लस यहाँ पे 01 आपका पास्चेस का अपॉन टू, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो 8 टू जा 16 2 1 जा 2 1 3 4 2 जा 8 6 2 जा 12 2 1 जा 2 1 3 इज इक्वल टू 160.32 प्लस इन नॉट वन पास्चेस, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया आपका 6 से 2 गया 4 3 से 3 गया 0 8 से 0 गया 8 ठीक है 2 से 6 प्लस 6 12 हो गया ये 2 से 1 गया 1 सो ये हो गया आपका क्या भाई साहब पास्चेस, ठीक है।
हाँ क्या बोलियो, ठीक है क्लियर है? पास्चेज का भाई साहब कितना आ गया आपका 168.04, तो ये आ गया आपका पास्चेज का। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ठीक है 168.04। ओके खत्म हो गया रे, ये कैसे हो गया? किधर 9:30 बजे तक जाना तुम लोग का, जाइए फिर जीवन में यशा कीजिए और क्या। और ये क्या कहते हैं, कल छुट्टी है ना? गेट मत बोला, कल छुट्टी है अंकल।